selamun aleyküm. Kız sana vurul Ali, dümbül bugün iki gün. Kız sana vurul Ali, dümbül bugün iki gün. Başına kızlar gökten indi yıldızlar, suyun başına kızlar gökten indi yıldızlar. Acele edeysin ha bu işte bir iş var, acele edeysin ha bu işte bir iş var. Suyun altına gün kız selamun aleyküm, suyun altına gün kız selamun aleyküm. Kız sana vurul Ali, dün bir bugün iki gün. Kız sana vurul Ali, dün bir bugün iki gün. Habibi Hanım. हाँ वो ही है। भाई भागे, भागना होगा। चले, जल्दी, इस तरफ चले जाओ, जल्दी जल्दी। अब आप भाग भी नहीं सकते। डेफने भी आई है। नहीं, दूर दूर। बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बीबे। कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? अब मैं ठीक हूँ। बाबा ने मुझे तुम्हारा सलाम दिया था। मैंने तुम्हें कोई सलाम भेजा ही नहीं था बीबे। हाँ, समझ गई, कोई बात नहीं। क्या समझ गई? जाओ यहाँ से। ठीक कहा, अब मुझे जाना चाहिए। हंसना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, समझ गई मैं, कोई बात नहीं। अरे दादी परवीन, खुश आमदीद। खुश रहो हबीबे, ये लड़के मुझसे कितना प्यार करती है कसम से। खुश आमदीद तोफैल भाई। ठीक है अभी बे, शुक्रिया तुम्हारा। अरे बेटा, सिनान को अकेला क्यों छोड़ आई, उसके पास जाओ। उसने मुझसे कहा यहाँ से चली जाओ। अरे क्या उसने कहा ऐसा? जी लेकिन उसका मतलब था कि अभी यहाँ बड़े बैठे, वो चाहता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती हमारी ना उसके करीब ना आओ। हाँ, यही बातें तो इतनी पसंद है मुझे उसकी। मैं बोल रहा हूँ ना, हंसना बंद करो। भाई अगर यशम से शादी नहीं हुई तो ये है ना, ये लाइन में लगी हुई है आपके लिए। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, सुन लिया? अरे वो वैसे भी पिछले 12 सालों से आपका इंतजार कर रही है। बस कर दो डेफने, बस कर दो, हद हो गई है। खुशाम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुशामदीद सर। खुशामदीद। कैसे? शुक्रिया। खुशामदीद। 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 खुशामदीद मेरी जान। शुक्रिया नीली आंखों वाले लड़के। खुशामदीद। 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 खुशामदीद तुम्हें, मगर कौन हो तुम? मैं यशम हूँ, और आप कौन है? मैं हबीबे हूँ, सिनान की। अरे पीछे हटो यार, हबीबे जाओ ना तुम यहाँ से, चलो जाओ जाओ। ओह
समझ गई मैं, कोई बात नहीं। ये मुझे यहाँ से जाने का कह रहा है ताकि मुझे नजर न लग जाए कि ख्याल ऐसे। सुना, कौन है ये लड़की? इतना शर्मा क्यों रही थी ऐसे करके? यशम छोड़ो ना उसको, पहले ही परेशान हूं मैं। जब से यहां है दिमाग खराब करके रख दिया इसने। चलिए आप लोग अंदर चलते हैं, आवाज नहीं निकालना। सुनो ये देखो, इसे ऐसे बुलाते हैं। ऐसे नहीं बुलाते दोरक, इस तरह से। यह बिली बिली बिली, यह बिली बिली बिली। अरे अरे, एसकी, दानिश तुम्हारे पीछे है। ये क्या है डेफने? अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जाके बाकी के लोगों से भी मिलकर आती हूँ, ठीक है? अभी तक तुम हैरत में हो। यकीन नहीं आ रहा। अभी यकीन दिलाता हूं। के हाँ, दिखने में तो ठीक लग रहे हैं। अरे लेकिन तुम तो कमजोर लग रही हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ जबकि तुम्हारा महबूब तो हर वक्त तुम्हारे पास ही है? तो फिर तो तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक मैं हूँ यहाँ बिल्कुल अकेली, बिल्कुल तन्हा। देखो अपने महबूब से इतनी दूर यहाँ पर आ गई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही सुना। अच्छा पहले तुम अपने कान बंद कर लो, हम लड़कियों ने आपस में कुछ बात करनी है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाइयों से ज्यादा कंजर्वेटिव हो, ठीक है? अगर गुस्सा ना करो तो तुम्हें भी बता दूं। तो बात यह है कि मेरी जिंदगी में एक बहुत ही हैंडसम और लविंग लड़का आ गया है। हा? अच्छा सुनो, तो फैल भाई को मत बताना, तुम तो जानते ही हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। मगर मैं उनसे ये बात बहुत देर तक छुपा ही नहीं पाऊंगी यार। अपने एक भाई को तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं अपने दूसरे भाई को भी बता दूं। वो तो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट दूं। हाँ भाई बता दूंगी, मैंने तो बताने का तरीका भी सोच लिया है। लिसन बिग ब्रदर, बात सुने मेरी, मुझे आपसे एक बात करनी है जरूरी। अरे नहीं भाई, इस तरह से थोड़ी बात करूंगी मैं उनसे। ऐसे तो क्या किसी भी तरह से उनसे बात करने का सोच ही नहीं रही मैं। क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मैं उन्हें सब बता दूंगी तो हम यहाँ आ गए। वाह मेरी किस्मत। तो अब यालिन खुद उनसे बात कर लेगा मेरी जगह, फिर जो होगा वो खुद ही झेलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक भाई के सामने तो कह दिया, तो अब दूसरे भाई को तो कम से कम वो बता ही सकता है ना। यानी रिलेशनशिप में अब अकेले मैं ही तो सब कुछ नहीं संभाल सकती हूँ ना। मैं एक और बात बताऊं तुम्हें, कितनी खूबसूरत जगह है ये, और मुझे याद आ रही है यालिन की कि काश वो यहाँ मेरे साथ होता। उफ, बहुत याद आ रहा है भाई। कितनी ज्यादा याद? बहुत। मुझे शायद वो बीमारी हो गई है जिसमें इंसान जागते हुए भी ख्वाब देखता रहता है। लगता है मैं बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ।
मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही हूँ। ये तो तुम ही हो, तुम यहाँ हो। उफ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा जहाँ दिल चाहता है तुम पहुँच जाते हो, मेरे बेडरूम तक तो आ ही चुके हो तुम, लेकिन ये तो मेरी दादी जान का घर है। यहाँ मेरी इतनी याद आ रही थी कि रहा ही नहीं गया। मैं तुमसे मिलने नहीं आया। तो फिर किससे? तुम्हारे भाई से। तुम भाग जाओ तब भी मैं उनसे बात जरूर करके जाऊंगा। यालिन, इससे पहले कि तुम जाके मेरे भाई से मिलो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। यानी आज भाई इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मुझे ही भूल गए। उफ, कम से कम तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ मेरी प्यारी सी जान। अच्छा। दोस्तों टेबल रेडी है, कोई देखना ले इसलिए तुम लोग जल्दी आ जाओ। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा इते